बाजोखेट मामले में नया अपडेट आया है और उसको लेकर देर रात से जो राजस्थान पुलिस कार्रवाई कर रही है उस बारे में जानकारी सामने आ गई है। फिलहाल जो फौरी तौर पे मूल बात यह है कि चारों शूटर और उनका एक सहयोगी यानी पांच लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें दो लोगों को मुठभेड़ में गोली मारी गई है, उनके पैर में गोली लगी है, दोनों लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस मामले में दो अपराधी थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ पकड़े गए हैं उसमें दो हरियाणा को बॉर्डर के पास पकड़े गए हैं और तीन जो है झुंझुनू जिले में पकड़े गए हैं और एक इसमें मामले में ये आ रहा है कि एक मंदिर के पास पकड़े गए हैं और दूसरा वही कन्फ्यूजन इस बात में कि एक फार्म हाउस या एक गोदाम टाइप की जगह थी वहाँ किसी मंत्री का था उसमें उसके पास। फिलहाल इस मामले पर पूरी जानकारी वस्तु स्थिति क्या है हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के क्राइम रिपोर्टर सीधे क्राइम रिपोर्टर हैं, वो आप बताएंगे ललित तिवारी जी कि किस तरह से आज देर रात से घटनाक्रम जो राजस्थान जब तक कल यानी 3 दिसंबर को हुई थी तो 4 दिसंबर का 12 बजे रात से लेकर अब तक का घटनाक्रम रहा पूरी जानकारी आप ललित जी कैसे देखते हैं आप पूरा कैसे क्या आप देखते हैं जी जिसके लिए एक सवालिया निशान बना हुआ था कि किस तरह से बदमाशों को पकड़ा जाए, इसके लिए राजनीति गर्मा गई थी और जो पक्ष विपक्ष के लोग थे वो सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे थे। इसी को देखते हुए कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया, ये सभी 15 टीमें जो हैं उनको अलग अलग जगह भेजा गया और पूरी रात सर्च ऑपरेशन किया और खेतों में नदी नालों में जिस भी जगह गुंजाइश सूचना थी तो वहाँ पुलिस ने डेरा अपना डाला और यही वजह रही कि पुलिस को जो मेरी DGP उमेश मिश्रा जी से बात हुई उनका ये कहना था कि 2 बदमाशों को उन्होंने देर रात पकड़ लिया था जबकि 3 बदमाशों को सुबह गिरफ्तार किया गया। इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है जो 4 बदमाश पकड़े गए हैं जिसमें 2 बदमाश राजस्थान के हैं जबकि 3 बदमाश हरियाणा के हैं। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा जो बाल अपराधी है उसको निरुद्ध किया गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम है इस मामले के पहले जाने के प्रयास कर रही है, जब बदमाशों को पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी जब पुलिस की टीमें उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी कर रही थी, इसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा हैं और पुलिस इंस्पेक्टर हिम्मत हैं उस पर बदमाशों ने जो सतीश और जो दूसरा नाम है जतिन उन्होंने उनके ऊपर फायर करने का प्रयास किया, हालांकि वो फायरिंग में बाल बाल बच गए। जब उन्होंने इसके जवाब में गोली वाली फायर किए तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जो ये दो बदमाश हैं सतीश और जतिन इनको पुलिस ने SMS अस्पताल में ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया है जहां उनका उपचार चल रहा है। SMS अस्पताल में एक पूरा ब्लॉक इन बदमाशों के लिए खाली करवाया गया है ताकि कोई भी उसमें अंदर आ और जा नहीं सके, सिर्फ डॉक्टरों को ही परमिशन दी गई। इसके अलावा जो वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उनमें भी कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जिनके स्पेशल पास बनाए गए उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। सबसे बड़ी बात इस घटनाक्रम में आ रहा है कि एक बाल अपचारी है, बाल बालक है, आपको बता दें लारेंस बिश्नोई का जो मॉडल है मॉडल जो है वो इसी पे है कि अपराध की जगत में नए बच्चों का इस्तेमाल किया जाए जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर ना हो और वो बच्चे इस तरह से एक्टिविटी करें और जल्द से जल्दी मतलब हत्या जैसे अपराध करने के बाद छूट जाएँ और तो इसके लिए वो बाकी पैसे ध्यान दिया करना और ज़्यादातर टारगेट एक रहा। इस मामले में हम लोगों ने देखा कि मतलब देखने जाए कि इन बच्चों को बहुत अपराधी रिकॉर्ड कोई उस तरह नहीं है, ये नए बच्चे हैं और नया टारगेट इनको पता भी नहीं था कि टारगेट कौन है कितना बड़ा है दे डन दैट इस तरह से बच्चा अधिक हमने जी बिल्कुल जो ADC क्राइम है प्रकाश मेहरा उन्होंने आज सीकर में इस मामले में पूरी कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कल से एक वीडियो वायरल हो एक ट्वीट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें रोहित गोदारा नामक व्यक्ति है उसने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा है कि उसने अपनी जो आनंद पाल और बलवीर बलमुड़ा गैंगस्टर थे उनका बदला पूरा किया उसने। इसके अलावा एक रोहित गोदारा ने एक और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है जिसमें उसने जो नागौर के रहने वाले जो अपनी बेटी से मिलने आए थे ताराचंद उनसे उनके परिवार से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि वो उनका उससे दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं, वो गलती में मारे गए इसका उन्हें कोलेट्रल डैमेज बहुत दुख है और उनकी पूरी सहानुभूति है, उनसे अगर कोई जो मदद होगी वो इसके लिए करेंगे।
पुलिस इस जो मेरी बात हुई पुलिस अधिकारियों से, एडीजी रवि प्रकाश मैराना से भी मेरी बात हुई है, डीजीपी उमेश मिश्रा जी से भी बात हुई है, उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पे जो ये घटनाक्रम चल रहा है उसको जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक हम इस मामले में कुछ अभी नहीं बोल सकते। हालांकि जो ये बदमाश है जिनको गोली लगी है उससे भी पूछताछ की जाएगी, इसके अलावा जो तीन बदमाश और हैं उनसे भी पूछताछ करने का प्रयास कर रही है कि राजू ठेर को मारने के पीछे उनका मकसद क्या है, उनकी इससे दुश्मनी क्या थी, इसके अलावा अगर उनकी दुश्मनी थी किन लोगों ने उसको उनको सुपारी भी दिया, क्योंकि लोग हैं वो पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर एक बात करें तो मतलब जो एक बहुत हम देखने की घटनाक्रम आ रहे हैं कि रात में ही तमाम नेता और तमाम लोग उस व्यक्ति जो गैंगस्टर था, कोई साधु महात्मा नहीं था, गैंगस्टर था और उसने बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, वहाँ तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम छात्र नेता पहुँच गए। तो जो इस घटना यानी कोलेट्रल डैमेज जिसे ऑपरेशन की भाषा में कहा जाता है, तो जो जिसके पिता उस बच्ची के पिता तारचंद जो मारे गए, उनके यहाँ कौन सा नेता गया और क्या आपने कहीं क्या कोई तस्वीर निकल सामने आई पॉलिटिकल रूप से उनके यहाँ कोई पहुँचा हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये दोनों का घटनाक्रम चला है तो जो राजू ठेठ के परिजन हैं, इसके अलावा जो ताराचंद के परिजन हैं जिनकी रह गई इस मामले में, तो उन दोनों के परिजन जो एस के अस्पताल हैं वहाँ पे सीकर में, वहाँ पे मोर्चरी के बाद धरने पर बैठे, उनका ये कहना था कि जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता तब तक जो राजू ठेठ के परिजन हैं उन्होंने भी कहा कि जो इस मामले में जो दूसरा व्यक्ति मारा गया उसका कोई लेना देना नहीं था, उसके जो परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो उनकी बेटी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा था, जो अपने जिसके हाथ में उसके पिता ने दम तोड़ा तारा सिंह ने, उसके लिए भी सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। वहीं जो नेता कौन पहुंचा उसके अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो जो विधायक हैं वो मुकेश वाकर वो पहुंचे हैं, निर्मल चौधरी जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, इसके अलावा जो और आसपास के जो सीकर और चूरू नेता हैं कई लोग वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सीकर को अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा की थी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक ये धरना नहीं उठेगा। हालांकि जब पुलिस ने सुबह इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद एक बालकचारी को भी निरुद्ध किया, उसके बाद भी जो परिजन हैं अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक मुआवजा और उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक वो ये धरना प्रदर्शन नहीं करते। एक बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जा रहा है उसको NIA ने रिमांड पर लिया हुआ है और अभी वो 3-4 दिन के रिमांड पर रहेगा, और उसके साथ साथ जिस गर्लफ्रेंड का नाम आ रहा है आनंदपाल 2017 में मारा गया था, उस गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी का नाम आ रहा है, अनुराधा चौधरी ने कल बयान दिया है किसी माध्यम से कि वो अपराध जगत की दुनिया छोड़ चुकी है, तो क्या ये ऐसा संभव हो सकता है कि इतने क्योंकि कहा था कि अपराध की जगत में यूटर्न नहीं होता? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया तो कल तक इसमें सोशल मीडिया पर चल रहा था कि जो अनुराधा है आनंदपाल की जो पूर्व प्रेमिका है उसकी तरफ से जानकारी आई थी तो उसका भी इसमें कोई कनेक्शन सामने आ रहा था। हालांकि पुलिस ने इस बारे में इस बात को कहा कि जब तक वह इन चीज़ों का पूरा जांच नहीं कर लेते तब तक वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। इसमें कौन कौन लोगों की भूमिका है, इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनके लिए जब तक पूछताछ में जब तक पूरी खुलासा नहीं हो जाता तब तक वो इस मामले में कोई बयानबाजी नहीं कर सकते। ये इसमें वो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति रोहित बुदारा के नाम से इसमें ट्वीट वगैरह या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा हो, जब तक पूरा घटनाक्रम की जांच नहीं हो जाती तब तक वो पुलिस इस मामले में कहने से बच रही है। रोहित बुदारा जो शख्स है जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, 20 से 21 साल का लड़का है और वो लड़का इतना मतलब बहुत अगर आप समझते हो लड़का है तो उस तरफ नहीं बहुत खूंखार गैंगस्टर टाइप का है, सिंधु मूसा वाला कांड में भी उसका नाम आया था और 2-3 हत्याएं ऐसी हुई हैं जिसमें उसका नाम आया है। एक अंतिम बात मैं इस फेसबुक लाइव समाप्त होने से पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो पकड़े गए बदमाश हैं, एक दो तो हरियाणा बॉर्डर पर जो 3 जान की गोली मारी गई, ये काली मंदिर के पास पकड़े गए या मंत्री जी के गोडाउन से पकड़े गए? नहीं, जो मेरी पुलिस से बात हुई उनका ये कहना था कि जो ये बदमाश हैं उनको गोली मारी गई, वो काली माता मंदिर में छुपे हुए थे और जो पुलिस तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती क्योंकि वो जो पहाड़ी एरिया है वो इतना घना है कि वहाँ तक पुलिस का पहुँचना संभव नहीं था। इसमें जो आसपास के ग्रामीण हैं उन्होंने बहुत मदद की है,
और जो काली माता मंदिर पे जब पूरी घेराबंदी करने के बाद ग्रामीणों से उसे पुलिस ने जब उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और उस जब पुलिस ने फायरिंग की तो दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। हालांकि जो आप नेता का नाम कल भी सामने आया था कि समय से सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई इस तरह की कोई बात नहीं कही है जिससे इसमें इस बात का खुलासा हो कि जो वो बदमाश है वो किस जगह से खेल रही थी। फिजिकल सुबह दो अपराध और राजनीति का किस्सा पुराना है, आज का नया किस्सा नहीं है और ना ही उन दोनों की जुगलबंदी का कोई तोड़ है। फिलहाल ये तोड़ सारा टूट चुका है। राजनीति तो बहुत बड़ा गैंगस्टर था राजस्थान का, अम्बाल के पास शराब का बड़ा कारोबार था, पूरा पंजाब से लेकर नेटवर्क चला रहा था गुजरात तक का। और फिलहाल अगर इस तरह से देखें तो अब राजस्थान में जराइम दुनिया की जो कमान है वो अनुराग चौधरी और लालन किशोरी के पास जाती हुई दिख रही है। इसमें काला गठड़ी जो हरियाणा का है जो पूरा गैंग को मैनेज करते हुए गुजरात तक शराब की तस्करी जो एक बड़ा धंधा है करता है उसी से उगाही करता है, जिनका राजू खेड़ भी उसी से उगाही करके बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाया था, जिसमें उसी ने अपने मित्र बलबीर बरमुड़ा के साले को बहनों को मार दिया था और उसी के बाद में 17 साल पहले शुरू हुई थी जो पिछले दिनों यानी 3 तारीख को 17 सेकंड में समाप्त हुई है 52 गोलियों के साथ। तो फिलहाल